वाकिफ अली साहब फौजी, आप देख रहे डेली न्यूज चैनल। डेली न्यूज चैनल आज मौजूद है 205 SPL अवलिक 2T मंडी मोड़ पोखराया, जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग ये आपको दिख रहा होगा। कैमरा मैन से मैं कहूँगा कि ये बैरियर को दिखाया जहाँ पे टूटा हुआ है, इस तरीके से बैरियर को दिखाई, बैरियर किस तरह के, कोई गाड़ी से टूटा हुआ है अभी तो मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ से जनता से बात कर लेते हैं। भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है आपका, ये कितनी देर से हो गया है? एक घंटे से जनता काफी परेशान है, आज बाजार का दिन है। आज नहीं, ये जो टूटा है इसको टूटने कितना देर हो गया? एक घंटा हो गया। किससे टूटा है ये? अच्छा, गाड़ी से टूटा हुआ। आप कहाँ के रहने वाले? मंडी। क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। ये बताइए ये कितनी देर से टूटा हुआ है? घंटे काफी परेशानी जनता को हो रही है आने जाने में। बाजार का जाने के लिए अच्छा बाजार मंडी है, मंडी गोदाम है और इतनी जनसंख्या है यहाँ पे। अच्छा आओ जरा, गाड़ी आ रही, गाड़ी आप ये बताइए कितनी देर से खड़े हैं? एक घंटा हो गया ये टूटा हुआ है, रेलवे ने अभी तक इसका कोई इंतजाम नहीं किया। एक घंटे से यहाँ पर वर्कर आनी चाहिए थे, इसको हटाना चाहिए था। आज बाजार का दिन भी है, दोनों तरफ से आवागमन का लगा हुआ है। आप क्या कहेंगे सरकार, रेलवे से क्या अपील करेंगे? और एक अंडर पास भी यहाँ होना चाहिए ताकि कभी अगर ऊपर की व्यवस्था खराब हो जाए तो जनता नीचे से निकल सके। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? कितनी देर से खड़े आप? 15 मिनट हो गया। आपका क्या नाम है? कितनी देर से खड़े आप? ये आपकी परेशानी रोज की है कि आज ही की है? केवल आज की है, आज की है, जब से टूटा है। ऐसे लोगों का कहना है कि अक्सर यहाँ पर ऐसा लेट लपाट होता रहता है, क्या सच्चाई है? गलत बोल रहा है। टाइम क्या? देखो आज ये जो टूटा हुआ है इस पर अभी तक कर्मचारी नहीं आए। लोग कह रहे हैं कि घंटे से टूटा है। गलत बोल रहा है वो। कई लोगों से बात की तो एक घंटे से बोल रहे हैं। नहीं, गलत बोल रहा है वो। और लोगों का कहना है कि यहाँ भी अंडर पास होना चाहिए। अंडर पास होना चाहिए, लेकिन उसको काली सजा मिलनी चाहिए। किसको? जो कितने ये टूटा है, क्या वो पकड़ गया है, कहाँ है, हमें नहीं मालूम। 205 SPL 2T मंडी मोड़ रेलवे क्रॉसिंग पोखराया से डेली न्यूज चैनल के लिए कैमरा मैन छोटू के साथ मैं रशीद अली साहब फौजी, जय हिंद।